मनीषा को बोलेंगे जल्दी बोलो निशा को आने के लिए, तो देखे कब आ रही है निशा। आ जाएगी तो फिर इसका सबका मन लगेगा। तो निशा जल्दी आ जाओ, वीडियो देख रही होगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस सुबह का वक्त हो चुका है, सभी लोग अभी सो रहे हैं, पर कुछ काम है अभी थोड़ा सा, उसको मत दे नज़र रखते हुए हम लोग अभी जग गए हैं। और मैं अभी नीचे आया हूँ तो देखा कि ये लोग भी सोया हुआ था थोड़ा, तो फिर इन लोगों को भी उठा के अभी बैठ गए हैं। तो चलिए गाइस, आज आप लोगों को सुबह का जो है वो आप लोगों को हंसाते हुए ब्लॉग को आगे लेके जाएंगे। और इस ब्लॉग में आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है मैं पूछने जाऊँगा आपके चहीते धनिया सिंह से। तो चलिए गाइस वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का राज खुलने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा थोड़ा भी, और वीडियो शुरू करते हैं। और कल ही है मेरा जो है वो तिलक है, तो तिलक में पहला जो है सीढ़ी शहीद होने का वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो पता नहीं सब लोग कितना खुश लगते हैं शादी से पहले, शादी के बाद बहुत लोग बोलते हैं मत करिए भाई मत करिए, ऐसा क्यों होता है, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए ये शादी किया जा रहा है। तो गाइस आप लोग बताइए कि शादी अच्छा होता है या नहीं, कमेंट कीजिएगा और खूब सारा दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं धनिया सिंह के पास। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का वक्त है, देखिए इनका स्टाइल, हाथ में पहनी है पर कान में नहीं, ये कौन सा स्टाइल है? कान में चुभ रहा था, रात सोया तो झुमका पहना था बाली, तो गड़ रहा था उनको तो निकाल दिया। और तो आप बताइए कि आप ये कब सोची और कि पहला कदम उन लोगों का पढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों सोची? जबकि तो कमेंट आ रहा है कि घर की लक्ष्मी या बेटी को पहला कदम रखना चाहिए, तो बात सही है, तो आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? लेकिन हम सोचे कि बेटी का तो खैर सब घर ही है, यही घर है, वो घर है, वो घर है, जहाँ उसको मन करे वहाँ रह सकती है। और हम ऐसी माँ नहीं है कि बेटी को हम छोड़ देंगे, तीनों को घड़ी घंटा बना के घूमते हैं हम, इनको उनको उनको। तो सोचे कि बड़े बेटे हैं तो मेरा उत्तराधिकारी वही बने जो मेरे दायित्व को पूरा करे, और हमारे नहीं रहने के बाद पापा हम नहीं रहे तो तुम लोग को अपने बेटा बेटी के जैसे समझें, छोटा भाई बहन बड़े भाई का बेटा बेटी के जैसे होते हैं। तो ये चीज़ उनको हम सौंपें कि मेरे बाद इस घर का कोई है तो तुम हो, तुम अपना जिम्मेवारी संभालो और मेरे घर का गृह प्रवेश करो, और सब दो छोटा भाई बहन है उस सबको भी वो अपना केयर करे, एगो आ रही है भव है उसको भी देखे। तो कमेंट ये आ रहा था कि दीदी का मतलब बेटी का कदम पढ़ना चाहिए, तो अगर आप बेटी का कदम पढ़ा देती तो भी कमेंट आता कि बहू का कमेंट, तो इससे आप कब बचिएगा? आप कोई बात नहीं है, इस घर से बेटी पैदा हुई है तो जिंदगी भर तो इसी घर का कदम है उसका। आज का क्या खर्च करा, बनावट थोड़ी है, इस घर पे पहले मेरा ही कदम पड़ा था, क्योंकि जिस टाइम पे न्यू ईयर के टाइम ये भूमि पूजा वगैरह हो रहा था उस टाइम पे कोई था ही नहीं, तो हम आए थे, लड्डू के पापा भी आए थे, खुशी भी आई थी मेरे दोस्त, उस दिन धलाई हुआ, उस दिन भी हम आए थे खिचड़ी के टाइम पे, तो हमारा कदम पड़ गया है पहले भी, तो पूजा पाठ से और अच्छा हो जाता है और घर के बड़े करे तो ज्यादा अच्छा होता है ना। अब बताइए मम्मी, क्या आजकल का तैयारी कैसे चल रहा है, घर भी डेकोरेट नहीं हुआ था? सब आज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब भगवान की कृपा है, हम तो मार्ग हम लोग बने हुए हैं लेकिन सब भगवान करवा रहे हैं, और जैसे उनका मर्जी होगा वैसे मेरे घर का सब इज्जत रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और माँ बाप रहते हैं तो बेटा बेटी को कोई टेंशन नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं जाके ये हो रहा है कि थोड़ा आप लोग और हेल्प करते पापा को तो पापा भी खुश। चलिए तो ये सब तो चलता रहेगा बात, तो कल का तैयारी तो हो ही रहा है, तो कुछ बोलना चाहेंगी? तो आप लोगों हम बताएंगे कि मेरे बुरा वक्त में कौन कौन हमको साथ दिया है, तो ये सब आप लोगों को बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, जब शादी बीत जाए उसके बाद बताएंगे कि हमको कौन कौन सपोर्ट किया है इसमें, और मेरा घर का पूरा फैमिली है तो कोई गम नहीं है हमको। लड्डू बोल दो।
ये लोग सब लोग देखिए सब्सक्राइब। सब लोग मेरे बेड पे बैठे हुए हैं गाइस। कोई कहता है कि ऐसा हमको बच्चे से बहुत लगाव है और बच्चा नहीं रहा है। बुआ को देख सकते हैं लोग कितने स्मार्ट आप लोग बोलते हैं लोग कि ये ऐश्वर्या राय को फेल कर देती हैं। तो आज इनका ड्रेस देख सकते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी हम क्या बोल रही हूँ मैं घर में? याद दिला दीजिए पूजा और बुआ साड़ी मेरा सब ले लेंगे। क्यों तो आप खुश हो गई? नहीं हम खुश क्यों? हम तो बोले हैं कि ये सब शादी के माहौल में सब बोलना ही नहीं चाहिए। हम कहेंगे पूरा जैसे हम बोल रहे थे कि मैंने पूजा जैसी है बेटी, छोटी ननद है मेरी, हमारे आने पर ज्यादा बड़ी नहीं थी तो ये भी बेटी के जैसी है और सब बहन लोग में इनको थोड़ा ज्यादा ही हम मानते हैं। ये बताने वाली बात नहीं है, खुद बताएंगे। तो वही हम बोले कि इतने जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा रहे हैं कि पता नहीं अगर हम नहीं रहेंगे तो जितना मेरा साड़ी है ये दोनों जानी ले लेगा लो, फेंकेगा लो नहीं। ये सब फालतू चीज नहीं, बात किया जाता है क्योंकि जब जिस लिखा है वो होगा, उसमें आपको कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता है। तो अब वक्त हो चुका है आप लोगों को बताने का कि बुआ अभी कौन, बुआ कल का तैयारी के लिए आप तैयार हैं? इतना छोटे से ना जानते हो, इतना छोट थी ना तो हमको हमेशा हमसे लड़ती थी। आपके भौजाई लोग ना सहेगा ना जी, हरदम को हम बाल खोल देंगे हमेशा। तो भाग गए एक तकिया देखने लगी तो हम बोले ना चाची ऐसे करके देख रही थी। तो वीडियो अब यहीं पे करते हैं हम लोग खत्म। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और आज हम मनीषा को बोलेंगे जल्दी बोलो निशा को आने के लिए, तो देखे कब आ रही है निशा। आ जाएगी तो फिर इसका सब का मन लगेगा। तो निशा जल्दी आ जाओ, वीडियो देख रही होगी। तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और शाम के टाइम में क्या बोलते हैं हम लोग? शाम के टाइम में हम लोग बोलते हैं हेलो गुड नाइट। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है धनिया सिंह, आप बताइए कि आपका नाम धनिया सिंह क्यों पड़ा? एक दिन क्या हुआ ना, मम्मी हमको बाजार भेजी एथी लाने के, पुदीना लाने के लिए। हम पुदीना के जगह धनिया ला दी तो मम्मी बोली जाओ धनिया फेर के पुदीना लाओ, इसलिए मम्मी हमको धनिया धनिया कह के अब पूरा मोहल्ला को जगा दी, सब हमको धनिया खाते हैं। चलिए गाइस ये सब तो चलता रहेगा। कल अचानक से मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया और ये आप लोग भी सुन के डर सकते हैं और आप लोग को भी ऐसा लगेगा कि हाँ इस दुनिया में कुछ भूत प्रेत हैं। तो ये बात मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका सच्चाई आप लोग सुनेंगे तो आप लोग पूरी तरह से आप लोग को भी लगेगा कि इसके साथ क्या हुआ था, क्या गुजरा था। तो उस दिन जब आप सोए हुए थे या कोई भी सोया था तो क्या हुआ था वो हादसा? सोया था तो वो न्यू मकान बना है ना स्कूल, वहाँ पे हम लोग सोए थे लोग। तो फिर एक मेरे बगल में सोया था एक आदमी, एक बैग उठा, रात का कितना बजा था, 12:30 हो रहा था और जाके बाउंड्री पे खड़ा हो जा रहा है। खड़ा होने के बाद कुदूक जा रहा है, कुदूकने के बाद हमको पूरा बेचैनी हो गया कि भाई हम उसको देखे अपने आँख से कुदूकते हुए और उसके बाद थोड़ा कैसे भी हिम्मत बांध के हमने उसको देखने गए कि वो कहाँ गया। तो देखे कि वो लौक नहीं रहा है, अंधेरा है और फिर देख रहे हैं तो अपने सीट पे सोया है। भाई इसलिए कहते हैं दूर पे तो थोड़ा सा भी अपील करिए थोड़ा भी। और सुनिए और वो सब तो ठीक है पर वो जो खैनी वाला था वो बताइए, जो खैनी मांग रहा था खैनी द हो नहीं थे, दुर्गा पूजा का टाइम था। यस भंडारा हो रहा था, हम भंडारा चला रहे थे, मेरा एक दोस्त था एक हम थे, तो पास ही में शमशान घाट था। हम लोग सोचे कि उधर थोड़ा घूम के आ जाए, हाथ में लेके फ़ोन और रील्स देखते देखते चले गए शमशान घाट के पास ही में। वहाँ पे वो मेरा दोस्त जो था मेरे साथ गया था, बाकी वो नहीं गया था, वो और कोई था, आप समझ रहे होंगे। फिर हमने जब मोबाइल लेके और चलाते चलाते गया तो एक बैग हमसे मांगने लगा खैनी, तो हम तो भाई खैनी खाते नहीं है
वो फैनी हमसे क्यों मांगेगा? तो तुम क्या बोलो? हम बोले भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तो फिर हमसे कह रहे भाई दो ना खैनी थोड़ा सा, तो कह रहे हैं भाग यहाँ से। तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको नहीं दे रहे हैं, तो हमको एक तबड़क मार दे रहा है जोर से। उसके बाद हम बोले क्यों, हम ऐसे ही ऐसे गाल पे हाथ धर के ताक रहे हैं, तो देख रहे हैं गायब। मारा कौन? मारा कौन? वो शायद भूती प्रेत था, उतना वक्त नहीं करते गेट करता। तो फिर तुम क्या किया उसको? हम कहते हैं हम तो भाग गए, बहुत भाग गया। अभी पूरे गांव को कैसे पता चला? गांव को कैसे पता चला? सब देख रहा था लोग, सब लोग वहीं से था भंडारे के पास। नहीं, गांव लोग को कैसे पता चला कि घटखटा मारा तुमको? वो तुम बताया ना, दोस्त मेरा बतला दिया है सब। तुम दोस्त को बताया था? चलिए गाइस, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे का पार्ट जो आप लोगों को मिलेगा, और इसके इसके साथ जो गुजरा है, आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए, सतर्क रहिए, और जितना हो सके उतना आप लोग। हनुमान चालीसा बजाए था वो तो नहीं बताया, तो भूल गया। चलिए कोई बात नहीं है।